नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के सभी मठों और मंदिरों को रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया। मठ और मंदिर अब अपनी जमीनों को, अचल संपत्ति को धार्मिक न्यास बोर्ड के पास जमा कराएंगे। बिहार सरकार के आदेश के बाद अब फिर हिंदू मुस्लिम सियासत गर्म हो गई। बिहार में 2500 से ज्यादा ऐसे मंदिर और मठ हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। इनके पास 4000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। 11 जून को सरकार की तरफ से अफसरों को लेटर जारी किया गया था और आज इसे रिलीज कर दिया गया है। इस मामले में बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि यह कोई नया आदेश नहीं है, मठों और मंदिरों का रजिस्ट्रेशन पहले से ही जरूरी है। नितिन नवीन ने कहा कि 2 साल से इसे रिव्यू नहीं किया गया था। मंत्री बनने के बाद उन्होंने इसे रिव्यू किया तो पता चला अभी कई मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए नया आदेश जारी करना पड़ा। पहले से ये प्रक्रिया चल रही है और पूर्व में भी सरकार के द्वारा ये काम आगे बढ़ाया गया था। विधानसभा के पटल पर जब क्वेश्चन आया तो उसके पहले हम लोगों ने भी इसकी रिव्यू की थी और रिव्यू के आधार पर जहाँ जहाँ पर मठ मंदिरों की जमीन है उसको पोर्टल के माध्यम से डीएम को कहा गया कि जानकारी प्राप्त करके पोर्टल पर डाला जाए। हम लोगों ने जून में जब इसका रिव्यू किया तो इसके रिव्यू के अंत में जहाँ जहाँ जिलों में नहीं आए थे रिपोर्ट उसके लिए उन जिलों को निर्देशित किया है। पिछले 2 साल से इसकी रिव्यू नहीं हो रही थी, हम लोग आए तो उसका रिव्यू देखा और उसी रिव्यू के आधार पर इस पर आगे की जो जानकारी जहाँ नहीं मिली है उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। लेकिन आरजेडी ने बिहार सरकार के इस आदेश को चुनाव से पहले कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की साजिश करार दिया। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, यह नियम नया नहीं है लेकिन इसे जानबूझकर अब जारी किया गया जिससे माहौल खराब हो। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, उसके बाद बिहार सरकार ने यह ऑर्डर जारी किया, यह सब सियासत का हिस्सा है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। संविधान की धारा 29 में किसी भी धर्म के स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात जो की गई है उस पर अगर कुटारा घात होगा, चोट होगा, इसका विरोध होगा। वक्फ बोर्ड बिल सरकार ने कर लोकसभा में पेश किया, उसका जमकर विरोध हुआ, जेपीसी में है मामला। लेकिन बिहार सरकार ने एक पुराना पत्र जो जून महीने का है, कल वो पत्र निर्गत नहीं हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि मंदिरों, मठों, ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ये तो पहले से कानून है। सरकार मंदिर मस्जिद के साइज को और जमीन को नापने के लिए नहीं बैठी है, असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है और मंदिर मस्जिद में सरकार उलझी हुई है।